दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शादाब सिद्दीकी आपके अपने चैनल जी एक्वामैक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता है। फ्रेंड्स, सभी को होली की मुबारकबाद। हम भारतवासियों को होली मुबारक हो। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है चिकलेट वैरायटी फिशेज। तो आज हम आपको जानकारी देंगे चिकलेट वैरायटी को कैसे केयर करें, कैसे रखें, उसको फूड खिलाकर भी दिखाएंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो देख करके लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और जो नए भाई लोग हैं जो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को और अपने चैनल समझ करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आपको दिखाते हैं चिकलेट फिश टैंक। हाँ फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये मेरा पैरेट फिश वाला ही टैंक है। इसमें सारी चिकलेट वैरायटी ऐड हैं, आप देख पा रहे होंगे। ब्लू डॉल्फिन आपको बारी बारी से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा, सिल्वेनिया, पैरेट, और ये देखिए ये भी एक पैरेट की प्रजाति है, छिप गई है, पोलर पैरेट इसको बोलते हैं, ब्लू पोलर ब्लू पैरेट। अभी आपको दिखाएंगे छिपी हुई है, ये आप देखिए, ये देखिए हमारी एक पैरेट है। देखिए थोड़ा सा इसको लक स्पॉट हो गया है, इसका इलाज कर रहे हैं, ये ठीक हो जाएगा। और हमने थोड़ा सा अपने टैंक में मॉडिफिकेशन भी किया है, लुक देखिए चेंज हो गया है, आपको देखकर अच्छा लग रहा होगा। और नीचे ग्रेवल भी बिछा दिया है फ्रेंड्स। आपको पोलर ब्लू पैरेट भी दिखाते हैं फ्रेंड्स, अभी छिप गई है क्योंकि छोटी है वो। देखिए ये हमारी आस्कर, ये देखिए ये है फ्रेंड्स, आप ये देख पा रहे होंगे पोलर ब्लू पैरेट। ये देखिए बहुत प्यारी मछली होती है फ्रेंड्स, पैरेट की तरह दिखती है एकदम, और बहुत ही सुंदर लगती है। बड़ी हो जाएगी तो और अच्छी लगेगी। ये आप देख लीजिए कायदे से, पोलर ब्लू पैरेट, ये देखिए एकदम फ्रेश है, टू पीसेज हैं। ये बहुत कॉस्टली मिलती हैं फ्रेंड्स। ये हमारी देखिए बनाना चिकलेट है, ये धारी वाली है, देखिए इस पे धारी बना हुआ है ब्लैक कलर का। और ये देखिए एक बनाना चिकलेट है, इस पे धारी नहीं बना हुआ है, देखिए अकारा। ये देखिए एक पैरेट और है, ये देखिए ब्लू, ये आपकी ब्लैक है, एकदम पूरी ब्लैक है, देखिए ब्लैक आपकी बनाना। ये देखिए फ्रेंड्स पोलर ब्लू पैरेट आप देख पा रहे हैं, ये देखिए कितनी प्यारी फिश होती है। ये हमारी मुखिया पैरेट है, हमारी कुंभकर्ण नींद से जाग गई है, हमारी कैट फिश फिर घुस गई। ये थोड़ा सा लुक हमने चेंज किया है। ये भी फिश देखिए थोड़ा अलग प्रजाति की है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मिलती जुलती है आपके उस फिश से मिलती है फ्रेंड्स, उसका नाम थोड़ा स्लिप कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसका फ्लावर हार्न, फ्लावर हार्न से मिलती जुलती है। देखिए थोड़ा सा लुक फ्लावर हार्न का इसमें है। ये देखिए पैरेट, सभी फिशेज एकदम फिट एंड फाइन हैं। और देखिए हमने एयर कितना दिया है, ये पूरा आपको दिखाते हैं। हीटर देखिए मेरा अभी भी जल रहा है फ्रेंड्स, 100x380, और ये टॉप फिल्टर लगा हुआ है, पावर फिल्टर हमने बंद कर दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें पानी बहुत दिनों बाद बदलना पड़ता है फ्रेंड्स। हम कम से कम साल भर बाद ही पानी चेंज करते हैं, इसलिए पूरा सिस्टम अपना लगाए हुए हैं। ये देखिए अभी सीवरम और डॉलर फिश आई हुई है, उसको अलग टैंक में रखे हैं, वो अभी बच्चा हैं, जब वो बड़ी हो जाएंगी थोड़ा तो वो भी इसमें ऐड हो जाएंगी फ्रेंड्स। ये मेरा पर्सनल टैंक है,
जो पहले वाली आस्कर थी उसको सब काट रही थी हमारी कैट फिश और पैरट फिश। ये छोटी आस्कर है थोड़ा, और बड़े चाव से ऑप्टिमम फिश फूड सब खाती हैं। हम इसको इनको इन फिशेजों को कोई चिकलेट वैरायटी का फूड नहीं देते फ्रेंड्स, हम इनको ऑप्टिमम ही खिलाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आपको ऑप्टिमम खिला के दिखाते हैं फ्रेंड्स इन लोगों को कि अपना ये फूड कैसे ईट करती हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये आपको दिखाते हैं फूड पहले। ये देखिए ऑप्टिमम का फूड है, खाते से आप देख लीजिए, ऑप्टिमम का फिश फूड है छोटा पैलेट वाला यानी गुलाबी पैकेट वाला। और इसको हम देखिए, ये फ्रेंड ढक्कन खोले और इसको ये डाल दिए और इसको बंद कर दिए। देखिए अब कितने मज़े से ये लोग खाती हैं फ्रेंड्स। देखिए आपको थोड़ा दूर से दिखाते हैं, देखिए खूब मज़े से खाती हैं, कोई अलग से फूड देने की ज़रूरत नहीं है चिकलेट वैरायटी को। बहुत से लोग महंगा महंगा फिश फूड भी खिला देते हैं, टेट्रा बिट्स वगैरह, और भी कई प्रकार के आपके फूड आते हैं, लेकिन हमारी सारी फिशेज ऑप्टिमम गुलाबी पैकेट ही खाती हैं फ्रेंड्स। कैट फिश, अकारा, पोलर ब्लू पैरेट, येलो पैरेट, रेड पैरेट, बनाना चिकलेट, ब्लू डॉल्फिन, सभी देखे चाव से खा रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने मेरे फिशेस को फूड ईट करते हुए भी देखा, और ख़ास बात यह है कि फ्रेंड्स हम आपको अपने रूम का टेम्परेचर दिखाते हैं घड़ी से फ्रेंड्स, ठीक है, तब आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे 28 तारीख तीसरा महीना संडे और टेम्परेचर है 30.6 डिग्री सेल्सियस, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा हीटर जल रहा है फ्रेंड्स, 28 पे सेट है और मेरा हीटर जल रहा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, देखिए बंद हो गया, अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि पानी का टेम्परेचर कितना होगा तब यह हीटर जलेगा। नॉर्मली हमने गूगल पे सर्च मारा फ्रेंड्स कि अगर रूम टेम्परेचर नॉर्मली 30 है, तो अगर रूम में पानी रखा हुआ है तो उसका टेम्परेचर 22 होगा फ्रेंड्स, 8 डिग्री कम होगा, ऐसे समझिए, यानी 22 डिग्री टेम्परेचर का पानी है इसीलिए हीटर जल रहा है, ये 30 पे तो जलना ही नहीं चाहिए फ्रेंड्स। और चलिए आपको दिखाते हैं अपना स्टिकर थर्मामीटर। हाँ फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि ये स्टिकर वाला थर्मामीटर है, ये देखिए 30 पे बता रहा है आपका ब्लू और 32 पे बता रहा है रेड। इसमें तीन कलर होता है, ग्रीन कलर भी होता है, पहले होता है ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड, यानी हमारा टेम्परेचर इस समय 31 डिग्री है, पानी का टेम्परेचर 31 डिग्री है, ऐसे समझ लीजिए फ्रेंड्स, सटीक अंदाज़ा इससे निकल जाता है। अगर ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है तो लाल नीला दिखेगा आपको, 32 पे रेड है, 30 पे आपका ग्रीन ब्लू है, यानी 31 डिग्री करेक्ट टेम्परेचर है। आप थर्मामीटर डिजिटल से चाहे स्टिक वाले से नापेंगे तो 31 टेम्परेचर ही बताएगा, और अगर ग्रीन हो जाता है तो आपका, तो फ्रेंड्स रेड या ब्लू में से एक कलर हट जाएगा, ये रेड वाला ही ब्लू होता है, अरे ग्रीन होता है फ्रेंड्स, सॉरी, यानी 32 टेम्परेचर हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं फ्रेंड्स, 32 पे ग्रीन हो जाएगा और रेड कलर हट जाएगा, और या तो फिर 34 पे चला जाएगा, आपका ब्लू कलर हट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं अभी हमने फूड डाला था, 2-3 मिनट हुआ है, ऊपर आपको दिखाते हैं, देखिए पूरा फूड हमारी फिशेज ईट कर ली, देखिए
आप देख लीजिए। तो फूड ऐसे ही डाला करिए कि 2-3 मिनट के अंदर सारा फूड ईट कर लें। आपको ये नहीं देखना कि ये फिशेज नहीं खाई मर जाएगी, ये आपको नहीं देखना है, सारी फिशेज खा लेती हैं फ्रेंड्स, अपने हिसाब से फूड ईट कर लेती हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे बनाना चिकलेट पोलर ब्लू पैरेट फूड ईट करके बहुत हैप्पी हैं। ये देखिए आस्कर, ये आस्कर फ्रेंड 4 इंच की है, ये आप देख पा रहे होंगे अकारा पोलर ब्लू पैरेट येलो पैरेट रेड पैरेट बनाना चिकलेट इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा आस्कर, ये हमारी पोलर ब्लू पैरेट, ये हमारी ब्लू डॉल्फिन, ये हमारी देखिए ये कुंभकर्ण खा के सो गई। जब लाइट बुझाएंगे फ्रेंड्स तब ये हरकत में आ जाएगी और रात भर इधर उधर करेगी, पत्थर खोदना शुरू कर देगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक पैरेट देखिए इसमें घुस के बैठ जाती है, ये हमने हाउस रखा हुआ है इसमें घुस के बैठ जाती है, अभी निकल गई है फूड ईट करने के लिए, नहीं इसमें घुस के आराम से बैठ जाएगी। ये रहा फ्रेंड्स हमारा चिकलेट फिश टैंक, अभी इसमें सीवरम और डॉलर भी ऐड होंगी और भी जो नई नई फिशेज आएंगी उसको ऐड करेंगे फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो आपने देखा हमारा चिकलेट फिश टैंक, आपको अच्छा लगा होगा, फिशेज सब क्लीन है, पानी भी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, हमने डेकोरेशन के लिए उस पर सैंड भी बिछा दी है, छोटी बजरी इसको बोलते हैं, हम यहाँ हमारे इलाके में छोटी बजरी इसको बोलते हैं, यानी जो हम लोग गिट्टी बिछाते हैं उससे छोटी है, ये बालू से थोड़ी बड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको लोग अच्छा लगा होगा, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जो नए भाई लोग हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। होली की हम भारतवासियों को सभी लोगों को शुभकामनाएँ मेरे तरफ से, हैप्पी होली, जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।